रिमझिम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये 2012 साल के सारे अखबार हमने खरीद लिए हैं और एक एक दिन का अखबार अब रखते जाएंगे तो जया के हाथ में आएगा और आराम से पढ़ पाएगी। वाह वाह प्रेमचंद जी, आपने कितनी तैयारी की है, बहुत अच्छा लगता है। माफ कीजिए, बुरा मत मानिए, लेकिन ऐसा लगता है आप इस सब कामों में बहुत ही माहिर है। वो क्या है ना, कल महाबापू जी ने ज्ञान दिया था ना, उच्च झूठ नीच झूठ, तो अंकल उच्च कामों में माहिर हैं। वैसे मैंने भी हर कमरों में 2012 के कैलेंडर लगा दिए हैं, पूरा घर 2012 हो गया है। ठीक है ठीक है, एक बात बताओ जी, 2012 में तुम और मैं मिले थे क्या? नहीं नहीं ना, तो ये 2012 चल रहा है, तो अभी इधर से चले जाने का, खबड़ा तक नहीं दिखाने का, तेरा अस्तित्व ही नहीं था 2012 में, समझे क्या? अच्छा अच्छा, आपका चलने दो। सुधाकर भैया, ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है? पता नहीं जया दीदी, कल से कुछ बताने की कोशिश कर रही है। माँ पानी चमचम, मैंने नारियल पानी पिलाया, पानी पूरी खिलाया, लेकिन फिर भी चालू है इसका माँ पानी चमचम, एक ही रट लगाए बैठी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर तो ये कोई बहुत बड़ी बात बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर इसने कल रात से एक ही रट लगा रखी है ना, तो वो कोई छोटी बात नहीं हो सकती। हाँ, इनका क्या? माँ जी, आपने चमचम मिठाई खाई थी? सुधाकर, ये मिठाई के बारे में नहीं बात कर रही। माँ जी, आपने कहीं कोई गहने पहने थे? जया, ये गहनों के बारे में भी नहीं बात कर रही। शायद तो फिर ये क्या बात कर रही है? मुझे लगता है, लगता है, ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत चमकती है। ओ, चम 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 चम। देखा, यही बोल रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों कहेगी? वो मुझे नहीं मालूम, पर स्किन की केयर कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बताती हूँ, बताती हूँ। पहले ना एक वाटी में कहाँ चली गई है, ये जिंगल आला है ना, सब बांडा फोड़ देगी, घर वाले भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बताने से पहले मुझे ही बताना पड़ेगा, लेकिन मेरी सुनेगा कौन? ले लो ले लो। ये कोई न्यूज़पेपर सुखाने की जगह है? हाँ, अरे वो एक्चुअली क्या, फ्रंट पेज पे ना बाढ़ की खबर आई है, तो पेपर गीला हो गया, मैंने सोचा सुखा दो। वैसे तुम जहाँ सुबह सुबह पेपर लेके जाते हो ना, उसे धोकर रखने की ही जरूरत। अरे जया, क्या तुम भी ना पढ़ लो पेपर। लो नहीं, आप और जया नहीं, जया जी, बात करनी है तो तमीज से बात करो, और नहीं कर सकते ना तो बात ही मत करो। मैं ना तुम्हारी दोस्त हूँ और ना कोई रिश्तेदार, समझे? I'm sorry. पेपर तो पढ़ लो। मुझे कोई बासी खबर नहीं पढ़नी। अरे खबर बासी नहीं है, अरे सुनो जया जी, रिमोट कहाँ रह गया? रिमोट? अरे अगर टीवी का रिमोट जया के हाथ में आ गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ है रिमोट? बुरा 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 बुरा।
अरे ये क्या बदतमीजी है, जंगली कहीं के? मेरा फेवरेट कार्टून का वक्त है इसीलिए। कार्टून देखना है ना? हाँ। तो खुद का चेहरा आईने में देख लो। हाँ? लाओ मुझे रिमोट दो, मुझे न्यूज देखनी है। न्यूज देखनी है ना, अखबार पढ़ लो, अखबार पढ़ लो। मुझे अखबार नहीं पढ़ना है, मुझे टीवी पे न्यूज देखनी है। देखो नहीं, रिमोट नहीं मिलेगा, रिमोट नहीं मिलेगा, पहले मेरे हाथ लगाना, जस्ट टू बी फेयर। चुपचाप मुझे रिमोट दे दो, वरना अभी मैं बाबा से कहकर ना तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। अरे तुम भी क्या ना जया, तुम खुद ही कहती हो कि तुम्हें टीवी पे न्यूज देखने में बोर हो जाती हो, क्योंकि वो एक ही खबर एक एक घंटे तक दिखाते हैं। फिर क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? तुम मुझे आप कहना चाहिए था, मेरी गलती, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता कि मुझे टीवी पे न्यूज देखना पसंद नहीं है? जय 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 जय, संभालो अपना को, जया जया संभालो, संभालो जया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं अभी बाबा को बताती हूँ। जया जया मेरी बात सुनो, जया संभाल के, संभाल के, संभाल के जया, संभाल के, संभाल के। ये कौन, क्या कह दिया मैंने, क्या कह दिया, अब संभालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। पहली बार मैंने, सुनिए सुनिए बाबा, पुलिस को बुलाइए। पुलिस को क्यों बेटा? अरे टीवी, टीवी पे न्यूज देखने को नहीं मिली, इसमें पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? तुम चुप बैठो, समझे? अच्छा अच्छा ओके बाबा। एक बात बताओ मुझे बेटी, तुम हमेशा टीवी तो देखती नहीं हो, तुम तो अखबार पढ़ती हो। बाबा ये बात आपको पता है? हाँ। ये बात इसको कैसे पता चली? दो दिन हुए नहीं इसे यहाँ आकर, मेरे बारे में इतनी सारी बातें पता चल गई इसे। अरे देखिए ऐसी बात नहीं है। तुम्हें बोला ना चुप बैठना। हाँ, हाँ। बाबा हाँ। मुझे लगता है कि ये छुप छुप के ना मुझ पे नजर रखता है, जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, आप पुलिस को बुलाइए। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैम क्या है? मैं बताऊं कि मुझे कैसे पता चला आपके बारे में? हाँ वो हुआ ये कि आपके पिताजी ने बताया। बाबा क्या रे, मैंने कब बताया? हाँ बाबा ने कब कहा था? बताया कब? वही बता रहा हूँ कि कब बताया, वो जब आपके पिताजी मेरे पिताजी को आपके बारे में बता रहे थे तब मुझे बताया। मैं जब आपसे बात कर रहा था। देखा? हाँ बराबर है बाबा। देखा आपने, इसका मतलब ये है कि ये आपकी बातें छुप छुप कर सुनता है। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तभी, अरे तभी मैं सामने ही खड़ा था। बताइए ना पिताजी। हाँ? जया के पिताजी बोली, सामने ही था ना। हाँ 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 हाँ, हम दोनों बात कर रहे थे तो ये इधर ही खड़ा था, सामने ही खड़ा था। सामने ही खड़ा था। शरीफ है। देखा देखा बाबा। हाँ? मैं आपको एक बात ना पहली और आखिरी बार बता देती हूँ। इस इंसान के सामने मेरे बारे में कभी भी कोई बात नहीं करना। नहीं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और एक बात बेटी, ए बेटी ए, सुन, क्या है ये घर हमारा है लेकिन वो जो टीवी है वो इन्होंने खरीदा हुआ है, तो टीवी उनको देखने दो, हम अखबार पढ़ लेंगे। हाँ बाबा, आज के बाद मैं टीवी की तरफ देखूंगी भी नहीं। एक्सक्यूज मी, अरे ये न्यूज़पेपर तो लेते जाइए मैडम। अरे ये आपके पिताजी ने खरीदा है। चली गई क्या? उड़िया बच गए। एक बात बहुत अच्छी हो गई बेटे, इसने टीवी ना देखने की शपथ ले ली, और वैसे भी टीवी देखती तो 2012 साल के प्रोग्राम हम कैसे दिखा सकते? दिखा सकते ना, कैसे? सैटेलाइट खरीदनी पड़ेगी और क्या। पिताजी बजट वाले आइडिया दीजिए ना, शपथ फ्री फंड में काम हो रहा है तो फिर। हाँ हाँ है ना, सैटेलाइट खरीदने की क्या जरूरत है? हमारी तो हैसियत ही नहीं है सैटेलाइट लेने की। फिर मैं भूल गया था कि हम लोग गरीब हैं। बहुत गरीब। हाँ और वैसे भी शपथ लेने की भी जरूरत नहीं है, अखबार मिल गया ना जया को तो वो टीवी की तरफ देखती भी नहीं है।
लेकिन अखबार 2012 का ही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं है ना वो 2000। हाँ हाँ, रोज वही आएगा। तो चले अभी। हाँ। चले चले। अरे यार, उस दिन उस जिंगा लाला ने मेरी सारी असलियत देख ली। अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। पता नहीं क्या होगा यार। क्या कर रही है? फल खा रही है? अरे फल क्या, ये तो फल के छिलके खाती है। अगर इसको इसको पैसे पसंद होते ना तो पैसे इसके मुंह पे मार के ना इसका मुंह बंद करा देती। पर इसको कुछ तो पसंद होगा। क्या पसंद? इसको तो मेरी बातें पसंद है। ओह गॉड, यस। माल पानी, यार जीनियस, यार जीनियस, यू आर टू गुड मैन। आप देखो मजा। टिन टारा रिन टारा रिन टारा झिंगलाला झिंगलाला। हु हु, क्या नाम है यार इसका? जिमलिंग जमकरी। मापानी, मापानी, मापानी। अरे माल पानी गई तेल लेने यार। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे मेरा बताती हूँ बहुत पसंद है ना? ना? अरे इनका तो सब उल्टा है ना, मतलब। हाँ ठीक है, तो गॉड प्रॉमिस, जब भी तू बोलेगी ना मैं तुझे बताती हूँ करके दिखाऊंगी, ठीक है? पर उस दिन जो तूने देखा कि मेरा नाम है माल पानी, जितना समंदर में पानी नहीं उतना माल है मेरे पास, ये गहने मेरी शान है और मुझे पसंद है स्विट्जरलैंड की शाम, ये बात तू किसी को नहीं बताएगी, नहीं बताएगी, ठीक है? तुझे मैं बताती हूँ कि कसम है कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगी, नहीं बताएगी, ठीक है? नहीं बताएगी ना? पक्का पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस, नहीं बताएगी ना? देखो कितना सिंपल था मालपानी। वाह, यार जीनियस। बाय। ये जिन्ना माजी क्या बोल के गई? समंदर में जितना पानी नहीं उतना उनके पास माल है, ऐसा बोली ना? हाँ, गहने उनकी शान है, ऐसा बोली ना? हाँ, पसंद उन्हें सुसुलेंड की शाम है, ऐसा बोली ना? हाँ, जिन्ना तू मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही थी? रे रे बाप रे। अच्छा, इसके लिए तू उस दिन माजी को मेरे सामने खींच के लाई थी? हाँ, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। माजी का सच कुछ और ही है। ये बात तो काका को बतानी पड़ेगी जिन्ना। चल 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 चल। अच्छा, उर आ आ आ आ, उर आ आ आ आ आ। अकतिवा, ये मालपानी ने फिर क्या लोचा मारा? सुधाकर ऐसा कहीं को भाग के गया? ये मालपानी मालपानी नहीं ना, हाईवे है।
मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी, अब तक काय करूं मी? बाबा बाबा आपने आज का अखबार देखा? देखा क्यों? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बाबा टेंशन वाली ही तो बात है, आपने आज की तारीख देखी है? जया के हाथ में 2012 के बदले 2018 का अखबार तो नहीं आ गया? बाबा आप इतने चुप क्यों हो? मैं? हाँ? नहीं चुप कहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो बताइए आपको आज की डेट पता है? हाँ हाँ। क्या है? आज की तारीख ना 22 जनवरी। और साल? साल है ना, अभी चल रहा है। कौन सा? 2012। बाबा अगर आपको याद था कि आज 22 जनवरी 2012 है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? बाबा आज भगीरथ मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का आखिरी दिन है, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आज पेपर देख लिया। हाँ अच्छा अच्छा। क्या अच्छा अच्छा? बाबा मैं क्या बोल रही हूँ और आप सुन क्यों नहीं रहे हो? आज आखिरी दिन है एडमिशन का, यानी अगर आज मैंने एडमिशन नहीं कराई ना तो मुझे पूरा एक साल रुकना पड़ेगा, यानी 2013 तक के। हाँ वो तो सही है, रुकना तो पड़ेगा ही। क्या सही है बाबा? चलिए अब जल्दी से उठिए और तैयार हो जाइए, हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। मैं अपनी फाइल लेके आती हूँ। हाँ जी ठीक है। जल्दी हाँ बाबा। हाँ मैं अभी ये वही कर रहा हूँ। देवा अभी अगर हम लोग मेडिकल कॉलेज में गए तो सब झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये 2018 चल रहा है। काका आपकी बहू आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती है। जो करी गंज पड़ी मपानी मपानी। देखो मैं इतना परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है बेटे। तू तुझे भाई को लगे नहीं जा। हाँ अजूट। ओ ए, 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 काका कुछ ज्यादा ही परेशान है वो, देखो ना जाने को बोल के खुद चले गए। लेकिन अब क्या करेंगे, हम ये बात किसको बताएंगे? अभी प्रेमचंद जी को बताए। अरे वाह सुधाकर भैया क्या आइडिया दिया है। ना करूं। प्रेमचंद जी को नहीं बतानी है तो फिर किसे बता सकते हैं? तू सोच ना किसे बता सकते हैं। जी दीदू। जी दीदी तो तू जया दीदी को बोलती है। हाँ मतलब जया दीदी को बताते। ये अच्छा विचार है। ये ऐसी कौन सी बात है, जानना पड़ेगा और जाकर बताना भी पड़ेगा। मालपानी वो कौन सी ऐसी बात है जिसे सुनने के लिए हमें अर्जेंटली यहाँ तुम्हें बुलाया है? वही जो मैं कब से बताना चाह रही थी, बताने के लिए उतावली हो रही थी। हाँ? पर कोई ना तो कोई बीच में आ रहा था इसलिए बता ही नहीं पाई। अरे मिस मालपानी जी सस्पेंस मत बढ़ाइए, जो बात है वो बताइए। इतना वो जिंगल आला उससे हमारी सारी बातें समझ में आती है। ये बात मुझे पता है। हा? मैं आपको भी बताने वाला था कि जिंगल आला के सामने ऐसी कोई बात मत करना जिससे वो हमारे लिए खतरा बन जाए। सॉरी यू आर लेट। क्या है? खतरा बन गया? नहीं और टल भी गया। ये लो वापस से डरा रही मुझे ये। अरे खतरा टल गया फिर भी डर रहा है? आपका ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत डरा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मुझे भी डर लग रहा है मिस मालपानी, बात बताइए ना क्या हुई? वो जिंगा लाला ने ना छुपके मेरी सारी बातें सुन ली। कौन सी बात? वही बात जिससे हमारा झूठ पकड़ा जाता है। डोंट वरी मैंने सब कुछ संभाल लिया है। मैंने जिंगा लाला को बोल दिया कि किसी को कुछ नहीं बताने को और वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। मतलब खतरा बना भी और टल भी गया। किसके वजह से? मेरे इंटेलिजेंस के वजह से। ये देख इनका। वो सब ठीक है। वो कौन सी बात जिंगा लाला ने सुन ली है जो तुम्हें लगता है कि वो किसी को नहीं बताएगी? हाँ वही बात जिससे हमारा झूठ पकड़ा जाता है। अरे गाइस मुझे अभी दरवाजा बंद करना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी। हाँ जल्दी जल्दी अंकल। पूरी हो जाती है। आ गए। प्रेमचंद जी। जी। झूठ पकड़ा गया बाबा। झूठ पकड़ा गया।
नहीं वो तू नहीं नहीं वो खाली झूठ पकड़ा गया प्रेमचंद जी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.